ईडी झारखंड की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम से जुड़े 24 ठिकानों पर मंगलवार की सुबह से ही छापेमारी शुरू कर दी है। छापेमारी राम के रांची, दिल्ली, जमशेदपुर, सिवान व सिरसा सहित कई ठिकानों पर चल रही है। पूरा मामला 16 नवंबर 2019 में जमशेदपुर में ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता सुरेश प्रसाद वर्मा के घर से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की बरामदगी से संबंधित है। तब सुरेश कुमार वर्मा को जमशेदपुर में डिमना चौक के पास एक ठेकेदार विकास कुमार शर्मा से 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद एसीबी ने सुरेश कुमार वर्मा के आवास पर छापेमारी की थी, जहां से लगभग 2.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। गिरफ्तार कनीय अभियंता सुरेश कुमार वर्मा के ठिकाने से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की बरामदगी मामले में पूछताछ की गई थी। तब वर्मा ने बताया था कि उक्त राशि उसके सीनियर वीरेंद्र कुमार राम की है। इस पूरे मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी। ईडी को आशंका है कि पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार से उक्त कमाई की गई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।